गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो? आप लोग की टर्म टू की एग्ज़ाम हो गई है, आप लोगों ने अच्छे से लिखा है टर्म टू में पेपर में, वेरी गुड। अब हम पढ़ाई शुरू कर रहे हैं हमारे टर्म थ्री की। ओके, टर्म थ्री की पढ़ाई शुरू कर रहे हैं हम। आपको अच्छे से पढ़ना है। अब आपको ये आपका एनुअल एग्ज़ाम है। एनुअल एग्ज़ाम के बाद आप अब बड़ी क्लास में आ जाएंगे, आप फर्स्ट क्लास में आ जाएंगे और स्कूल में आके पढ़ाई करेंगे। तो आपको उसके लिए पहले, स्कूल में आने के पहले आपको क्या तैयारी करनी है? अच्छे से पढ़ाई करनी है और हिंदी पढ़ना और लिखना दोनों आपको अच्छे से सीखना है। ठीक है बच्चों, अभी तक पे हमने टर्म वन और टर्म टू में कौन कौन सी मात्राएं पढ़ ली है? हमने आ की मात्रा, छोटी ई की, बड़ी ई की, छोटा ऊ की, बड़ा ऊ की, ऋषि की, एड़ी की, ऐनक की, ओखली की और अवरुद्धि, इतनी मात्राएं हम पढ़ चुके हैं। अब हम अपने अगले टर्म में अम की मात्रा पढ़ेंगे। तो आप लोग तैयार हैं अम की मात्रा के साथ? हमारी बुक अमृता स्वर ज्ञान से हम पढ़ेंगे मात्रा ज्ञान अम की मात्रा। आज हम आपको अम की मात्रा का प्रयोग व्यंजनों पर सिखाएंगे कि किस प्रकार से अम की मात्रा का प्रयोग हम व्यंजनों पर करके उसे किस प्रकार से लिखते हैं और उसे किस प्रकार से पढ़ते हैं। तो आप लोग तैयार हैं हमारे साथ अम की मात्रा के लिए? ओके, रेडी। क, क में अम की मात्रा कम, नाक से पढ़ेंगे क्योंकि क अम की मात्रा का चिन्ह क्या होता है? ये होता है सिर्फ ऊपर, वर्ण के ऊपर सिर्फ एक छोटी बिंदी। ठीक है, तो इस बिंदी को हम लगाएंगे, तो इस बिंदी को हम पढ़ेंगे, नाक से पढ़ेंगे हम इस बिंदी को। ठीक है, आप लोग तैयार हैं पढ़ने के लिए? वेरी गुड। क में अम की मात्रा कं, ख में अम की मात्रा खं, ग में अम की मात्रा गं, घ में अम की मात्रा घं और अणा खाली। तो इस प्रकार से हम पढ़ेंगे। ठीक है, आपको हमारे साथ साथ पढ़ना है, हमारे साथ साथ पढ़ेंगे तो आपको मात्रा पढ़ना आ जाएगी। ठीक है बच्चे, कं, खं, गं, घं और अणा पे कोई मात्रा का प्रयोग नहीं होता। अभी हम वर्णों पर मात्रा का प्रयोग कर रहे हैं, फिर हम शब्दों पर मात्रा का प्रयोग करेंगे, फिर हम वाक्य बनाएंगे अम की मात्रा के, और फिर हम पाठ पढ़ेंगे और फिर अभ्यास प्रश्नावली हल करेंगे, प्रश्न उत्तर करेंगे। तो सबसे पहले हमें वर्णों पर इसका ज्ञान बहुत जरूरी है। तो हमारे साथ पढ़िए आप कं, नाक से बोलेंगे कं, खं, गं, घं, अण, चं, छं, जं, झं, ऐं, चं, छं, जं, झं, ऐं, टं, ठं, डं, ढं, अं, टं, ठं, डं, ढं, ङ, तं, ठं, साथ में बोलेंगे तं, ठं, दं, ढं, नं, तं, ठं, दं, ढं, नं, पं, फं, बं, पं, फं, बं, भं, मं, यं, रं, लं, वं, शं, शं, सं, हं, क्षं, त्रं, यं। ठीक है, इसको आपको अभ्यास करना है, बोलना भी और लिखना भी। आपको 5 times अपनी कॉपी में इसको बार बार लिखने का अभ्यास करना है। ठीक है, आप लोग को अच्छे से पढ़ना है। अब मात्राएं हमारी बची है अम की मात्रा और अह की मात्रा। ठीक है, अम की मात्रा को अनुस्वार भी बोलते हैं। अनुस्वार क्यों बोलते हैं? अनुनासिक अनुस्वार की जो मात्राएं होती है वो नाक से पढ़ी जाती है। ठीक है,
एक बार और पढ़ेंगे आप हमारे साथ तो आपको पढ़ना आ जाएगा। हमारे साथ साथ बोलते जाइए आप। कं खं गं घं शं छं जं झं और अय्या तं ठं बोलिए। टंग नाक से बोलेंगे। टंग ठंग डंग ढंग नंग तंग ठंग डंग ढंग नंग पंग फंग बंग भंग मंग यंग रंग लंग वंग शंग शंग संग नहीं सॉरी शंग संग हंग शंग त्रंग ग्यं। तो इस प्रकार से हम आम की मात्रा पढ़ेंगे और आम की मात्रा के शब्द किस प्रकार से पढ़ते हैं। जैसे कंग से बनता है कंघा। क से क्या बनता है कंघा। च चपे बंदी बनेगी तो क्या बनेगा चंचल चंचल चंदा। तो इस प्रकार से हम पढ़ेंगे अंग की मात्रा। ठीक है। प से प शब्द से मिलेगी पतंग पतंग। तो अंग की मात्रा कैसे पढ़ी जाती है नाक से पढ़ी जाती है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम अंग की मात्रा का प्रयोग करके पहले हमने व्यंजनों में प्रयोग करना सीखेंगे फिर हम शब्दों पर प्रयोग करना सीखेंगे। ठीक है। अब हम फिर से पढ़ेंगे और इसे बार बार पढ़ेंगे। जितनी बार हम पढ़ेंगे उतनी बार ही हमें पढ़ने का अभ्यास होगा। आपको क्या करना है आपको हमारे साथ पढ़ना है। ठीक है। कं खं गं खं अड़ा चं छं जं झं खाली टंग ठंग डंग ढंग लंग तंग ठंग डंग ढंग लंग पंग फंग बंग भंग मंग यंग रंग लंग वंग शंग सन सन हं शं त्रं ग्यं। ठीक है बच्चों आप लोगों को समझ में आया। आपको कॉपी में लिख लिख के अभ्यास करना है और अच्छे से पढ़ना है। ठीक है। और इससे बनने वाले शब्दों को भी आपको ढूंढना है और ढूंढ ढूंढ कर उन शब्दों को पढ़ना सीखना है। अभी हमने आपको बताया जैसे क से क्या बनेगा कंघा। ठीक है। वैसे प से बनेगा पतंग पंख। श से बनेगा शंख। झ से बनेगा झंडा। झ से क्या बनेगा झंडा। ग से बनेगा गंगा। इस प्रकार से हमें शब्दों को ढूंढ ढूंढ कर पढ़ना है और लिखना है। पहले हम वर्णों पर प्रयोग सीखेंगे फिर हम शब्दों पर प्रयोग सीखेंगे। ठीक है बच्चों आपको अच्छे से पढ़ना है। जैसे आपने पूरे पहले भी पुरानी मात्राएं अच्छे से करी है तो हमें हिंदी पढ़ना आ जाएगा। हमारी दो मात्रा स्वर में से बची है अम की और अह की। तो अब हम आगे अम की और अह की मात्रा अच्छे से करेंगे और पढ़ना और लिखना हिंदी दोनों अच्छे से सीखेंगे। ठीक है बच्चों अब हम अगली क्लास में मिलेंगे अगले नए शब्दों के साथ अम की मात्रा के नए शब्दों के साथ। ठीक है बच्चों अब आप अच्छे से पढ़ना ना ख्याल रखना। बाय।